हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। और हम पढ़ रहे थे पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में। पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन्हें अलग अलग करना ही उसकी रिफाइनिंग कहलाता है। और इस फिगर में आपने एक पेट्रोलियम रिफाइनरी देख सकते हैं। इससे अच्छा डाइग्राम आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा पेट्रोलियम रिफाइनरी का। वहाँ पर पेट्रोलियम को हीट करके डिफरेंट पार्ट्स उसके अलग अलग की जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब ये देखते हैं कि पेट्रोलियम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो पहला कंस्टिट्यूएंट्स है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। पेट्रोलियम गैस बट कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ये गैस है बट कैसी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसी को हम एलपीजी भी बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने में यूज होती है। और यहाँ पे देखिए, पीजी का मतलब तो पेट्रोलियम गैस हो गया, बट एल का मतलब लिक्विड नहीं है। इस एल का मतलब लिक्विड नहीं होके लिक्विफाइड है। ओके, क्या है लिक्विड, एल आई क्यू यू ई एफ आई ई डी, लिक्विफाइड। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। क्या मीनिंग है एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो लिक्विफाइड के पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में यूज होती है। तो इस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मेन यूज क्या है, मेन यूज है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा इसका क्या यूज है, घर में खाना बनाने में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सेकेंड क्या चीज मिलती है हमें पेट्रोलियम से, पेट्रोल। इससे क्या चलती है, कार चलती हैं और मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स और इस टाइप के व्हीकल्स चलते हैं। और इसी से एविएशन फ्यूल, जो एरोप्लेन में जो फ्यूल पड़ता है वो भी इसी से मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए जो कपड़े धुलते हैं उसके लिए भी इसमें सॉल्वेंट मिलता है। थर्ड प्रोडक्ट जो हमें मिलता है पेट्रोलियम से वो होता है केरोसिन। तो केरोसिन क्या है, केरोसिन से हम फ्यूल फॉर स्टोव्स से लैंप्स भी जलाते हैं और जेट एयरक्राफ्ट्स के लिए भी ये एक फ्यूल है। फोर्थ टाइप मिलता है हमें, फोर्थ चीज मिलती है डीजल। डीजल क्या है, हमने पहले भी देखा था कि ये हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए फ्यूल है और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के लिए भी फ्यूल के रूप में क्या यूज होता है, डीजल। फिफ्थ, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स। तो डिफरेंट टाइप की मशीन्स को स्मूथ चलाने के लिए उनमें ऑयल डालने की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑयल भी कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम से ही मिलता है। पैराफिन वैक्स, तो जो आप कैंडल जलाते हैं उसका वैक्स कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से। डिफरेंट टाइप के ऑइंटमेंट्स बनाने में यूज होता है, वो वैसलीन बनाने में भी इसी पैराफिन वैक्स का यूज होता है, और ये कहाँ से आता है, पेट्रोलियम से। बिटुमिन, तो बिटुमिन क्या चीज है, बिटुमिन हमने पहले भी पढ़ा था कि ये रोड बनाने के लिए एक मटेरियल यूज होता है। आजकल कोल टार की जगह किसका यूज करते हैं, बिटुमिन का, और पेंट्स बनाने में भी बिटुमिन का यूज होता है। बिटुमिन की बनी हुई रोड कोल टार से बेटर होती हैं। रीजन की कोल टार से जो मजदूर काम करते हैं, जो उसे रोड को बनाते हैं, उन्हें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि बिटुमिन से ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए लिखा है, वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। वो हम देख चुके हैं कि किस किस क्या क्या चीज मिलती है पेट्रोलियम से, उनके यूजेस क्या है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इनसे बहुत सारे जो है, हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट और जरूरत के सब्सटेंसेस मिलते हैं। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि पेट्रोलियम से मिल रहे हैं और केमिकल्स हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of detergents, fibers, polyester and nylon, acrylic, etc., polythene and other man-made plastics. तो इससे क्या क्या यूज होता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज क्या होता है पेट्रोकेमिकल्स का। डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट टाइप के जो सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े थे, जैसे पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा बनाते हैं इससे, पॉलीथिन्स बनती हैं इससे, पॉलीबैग्स जो आप लोग यूज करते हो, एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो ये सब किससे बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स से, जो पेट्रोलियम से जो केमिकल्स मिलते हैं उन्हीं से ये सब बनते हैं। हाइड्रोजन गैस
obtained from natural gas is used in production of fertilizers, urea. तो natural gas का जो है उससे क्या मिलती है, हमें hydrogen gas मिलती है, उसका हम किस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन या यूरिया के प्रोडक्शन. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. तो जैसे आपको पता है गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट और महंगा होता है, तो इसीलिए इसी तरीके से पेट्रोलियम की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड या काला सोना, क्योंकि ब्लैक कलर का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. अब आते हैं नेचुरल गैस पे, पेट्रोलियम के बाद आते हैं हम नेचुरल गैस पे. नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. तो नेचुरल गैस क्यों इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, इसे हम पाइप से भेज सकते हैं. इंडिया के भी बहुत सारे शहरों में जो नेचुरल गैस है अब पाइप के थ्रू ही भेजी जाती है, और इवन कुकिंग गैस भी काफी सारे शहरों में अब जो है उसके थ्रू ही भेजते हैं पाइप के थ्रू. नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस जो अभी हमने देखा था कैसे स्टोर्ड होती है अर्थ के नीचे हाई प्रेशर में, हाई प्रेशर होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर की वजह से उसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी. तो CNG की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, अब CNG हमें मिलती है, CNG कहाँ मिलती है, अर्थ के नीचे. तो सबसे नीचे वाटर की लेयर, वाटर के ऊपर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के ऊपर नेचुरल गैस की लेयर, और ये कंप्रेस्ड होती है इसीलिए, यानी प्रेशर में होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, किसके लिए यूज होती है, पावर जनरेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती है मेनली सीएनजी. इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल. तो देखो सीएनजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज क्या है, कि ये आजकल ट्रांसपोर्ट में भी यूज होने लगी है, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है. किससे लेस पॉल्यूटिंग है, पेट्रोल से और डीजल से. इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये एक टाइप का क्लीन फ्यूल है. इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि आज से कई साल पहले दिल्ली में बसेस डीजल की होती थी और वहां पे बहुत पॉल्यूशन होता था. फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बसेस को क्या कर दिया, सीएनजी बसेस में कन्वर्ट किया. अब दिल्ली में डीजल बसेस के कंपैरिजन में कम पॉल्यूशन होता है बसेस से. टोटल पॉल्यूशन तो बढ़ा है क्योंकि व्हीकल्स बढ़े हैं, बट फिर भी जो बस का पॉल्यूशन है, बस का पॉल्यूशन कैसा हुआ, कम हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बसेस को किस में कन्वर्ट किया, डीजल से सीएनजी में. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. तो क्या एडवांटेज है इसका, ये डायरेक्टली बर्निंग के लिए यूज हो सकती है होम्स और फैक्ट्रीज में, और इसे किससे भेजा जा सकता है, पाइप से भेजा जा सकता है. Such a network of pipeline exists in Vadodara, Gujarat, some parts of Delhi and other places. तो ऐसा network जो है कहाँ कहाँ exist करता है, वडोदरा गुजरात में, कुछ parts में दिल्ली के, और आजकल तो काफी और शहरों में भी हो गया है इस type का. ठीक है, कि pipeline से इसे natural gas को भेजते हैं और burning के लिए use करते हैं. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. तो ये क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, किसमें, काफी सारे केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में और फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में. इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस. तो इंडिया के पास बहुत सारी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस हमारे पास बहुत वास्ट है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल गैस है. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, कहां कहां मिलता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में. तो इसमें इन जगहों पे हमारे कंट्री में बहुत सारी नेचुरल गैस है, कहाँ, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में. इन जगह पे हमारे गैस में नेचुरल गैस का बहुत सारा सोर्स है, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल गैस कंटेंट है, बहुत सारी नेचुरल गैस वहां पे मिलती है. कैन कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म. तो बूजो पूछ रहा है क्या ये सब लैब में बनाए जा सकते हैं डेड एनिमल से. नो, देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस,
क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनकी फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस है एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। तो एक तो बहुत स्लो प्रोसेस है और इस टाइप की कंडीशंस लैब में नहीं क्रिएट करी जा सकती, इसीलिए ये लैब में नहीं बनती और ये नेचुरल रिसोर्सेज है और इन्हें हमें बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए।